हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में अपने बात करेंगे कॉनेस्टोगा कॉलेज के बारे में और उसके कैंपसेस के बारे में, क्योंकि मैंने भी जब अप्लाई किया था कॉलेज में तो मेरे को कैंपस समझ नहीं आया कि कौन सा चूज करूं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वो भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतने सारे कैंपसेस हैं, हम कौन सा चूज करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे कैंपसेस के बारे में बताने वाला हूं और शायद आपको बाद में डिसीजन लेना भी आसान हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और साथ में गाइस, आपको बता दूं अपने कौन से पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस वगैरह, कि उनका क्या क्या डिस्टेंस है, कितने कितनी दूर है, कहां कहां पे सारे कैंपसेस। और उसके बाद अपने बात करेंगे कोर्सेज कितने ऑफर करते हैं वो कैंपसेस, क्योंकि जो भी कॉलेज होगा उसका पता लग जाता है कि कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, क्योंकि हर कैंपस में कोर्सेज जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, किसी में 50 होते हैं, किसी में 100 होते हैं। तो अगर उसके कोर्सेज हमें पता लग जाए वो कैंपसेस में कितने करवा रहे हैं, तो उससे भी अपनों को कॉलेज के कैंपस के बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाती है कि कैसा होगा। और थर्ड पॉइंट में मैं थोड़ा सा स्लाइड शो दिखाऊंगा आपको सारे कैंपसेस का, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो गाइस समझ लो, तीनों चीजों आपको पता चल जाएंगी कहां पे है एक्चुअल में, कितने कोर्सेज वो करवा रहे हैं, और साथ में समझ गए कि स्लाइड शो से आप बिल्डिंग भी देख लोगे तो उससे आपको बहुत एक इमेज बन जाएगी कि हाँ ये कैंपस ऐसा है, तो मेरे को जाना या नहीं जाना, तो आपके लिए शायद हेल्पफुल हो जाएगा। और गाइस सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कॉनेस्टोगा के लिए ही कंफ्यूज्ड है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो गाइस अगर आपको और किसी कॉलेज पे भी ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, मैं पक्का वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। तो गाइस अब अपने पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कि एक्चुअल में ये सारे कैंपसेस हैं कहां पे। तो गाइस जैसे कि हमें पता है कि लगभग सारे 60-70 किलोमीटर दूर है टोरंटो से, ये तो हमें पता है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे किचनर की, कि किचनर से कितना कितना दूर है सारे। तो किचनर के अंदर जैसे कि आपको पता है कि दो कैंपसेस हैं, डून और डाउनटाउन, वो तो शायद सबको पता ही होगा। तो वाटरलू एरिया जो है ना टाउन, वो भी बिल्कुल साथ में है, 3 किलोमीटर दूर है वहां से। और उसके बाद फिर अपने गल्फ की बात करते हैं टाउन की, तो वो लगभग 22-25 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद नीचे कैम्ब्रिज आ जाता है, तो वो लगभग 25 किलोमीटर के अराउंड है वो भी। और जो ब्रैंटफोर्ड है वो थोड़ा सबसे ज्यादा दूर है, वो लगभग 45 किलोमीटर दूर है किचनर से। तो आपको थोड़ा सा ये ओवरव्यू मिल गया कि ये सर्कल में सारे ऐसे घेर के बैठे हैं किचनर को, और जो टोरंटो से इसकी दूरी है वो लगभग 60-70 किलोमीटर है। तो गाइस आप ऐसे भी सोच रहे होंगे कि ये 6 क्यों लिख रखे हैं यहाँ पे, कि 6 कैंपसेस के बारे में क्यों बात करने वाले, क्योंकि वैसे तो असल में 9 कैंपसेस हैं। वो 3 जो बाकी कैंपसेस हैं उसमें इक्का दुक्का कोर्सेज हैं, वो अपने काम के अभी नहीं रहेंगे वीडियो में। अगर उन पे भी आपको वीडियो चाहिए तो वो मैं अलग आपको या तो कमेंट पिन करके बता दूंगा, या ऐसे कोई स्टोरी वगैरह में बता दूंगा। तो गाइस अब अपने बात करते हैं इन 6 कैंपसेस के बारे में। जो सेकंड पॉइंट है अपना कि कितने कोर्सेज ऑफर करते हैं ये कैंपसेस, क्योंकि गाइस जो कोर्सेज है ना जो ऑफर करता है कॉलेज, उससे अपनों को बहुत हद तक आइडिया हो जाता है कि उस कैंपस में फैकल्टी और कॉलेज की वाइब कैसी रहने वाली है। तो गाइस आज अपने असेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करते हैं कि सबसे पहले आप या तो अपने शुरू करते हैं नीचे से, कि सबसे कम जो सीट्स ऑफर करता है जो कैंपस वो है डाउनटाउन कैंपस, इसका किचनर वाला। तो गाइज ये बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, लोगों को लगता है कि किचनर के अंदर ही मेन कैंपस है। तो ये डाउनटाउन जो है ये रिसेंटली अभी नया कैंपस बना है, और इसमें सिर्फ 7 कोर्सेज ही ऑफर किए जाते हैं। छोटा सा कैंपस है, आप समझ रहे हो, थोड़ा ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि लोगों को गुस्सा आ जाता है कि मैं कोई ओपिनियन देता हूं और बाद में वो सोचते हैं कि ओपिनियन हमें अच्छा नहीं लगा। तो गाइज दिमाग अपना लगाओ, मैं आपके साथ सिर्फ स्टैट्स शेयर करूंगा। गाइस उसके बाद अपने बात करते हैं गल्फ कैंपस की, उसमें 26 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। और उसके बाद फिर आते हैं ब्रैंटफोर्ड, ब्रैंटफोर्ड में लगभग 34 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद फाउंटेन स्ट्रीट कैंपस है जो, उसमें 40, और उसके बाद जो वाटरलू कैंपस है उसमें 64, और लास्ट में आता है अपना मेन कैंपस डून जिसमें 124 कोर्सेज, जैसे कि मैंने बताया है कि उसमें ऑफर किए जाते हैं। तो गाइस अब आपको ओवरव्यू भी आ गया होगा, आप देख सकते हो स्क्रीन में कि इतने कोर्सेज कम होते जा रहे हैं, जैसे भी ये मैंने टेबल में मतलब बता ही रखा है आपको। तो इससे आप कॉलेज का समझ सकते हो कि क्या उसके अंदर रहने वाला है, क्या वाइब्स रहने वाली है, क्या फैकल्टी रहने वाली है, कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने नहीं होंगे, कितना बड़ा कैंपस होगा या नहीं होगा, वो सब आपके अंडरस्टूड है आपको। अब अपने थर्ड पॉइंट पे लेके चलते हैं कि स्लाइड शो, जितनी मेरे को फोटोज मिली, क्योंकि साइट पे मेरे को जो ऑफिशियल साइट है उस पे कैंपसेस की फोटो नहीं मिल पाई ढंग से जो हम चाहते हैं। तो गूगल सर्च कर करके मैं थोड़ी सी स्लाइड शो लेके आया ताकि अब आपको बाहर का ओवरव्यू भी मिले कि बिल्डिंग कैसी है। तो गाइज ये 1 मिनट का आप मतलब 1-2 मिनट का जो भी है स्लाइड शो देखो, और उसके बाद फिर अपने कंक्लूजन पे आते हैं।
तो गाइज अब अपने बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखो कंक्लूजन में मैं सिर्फ ओपिनियन दे रहा हूँ मेरा, आपको ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट देखो जिनको सोशल एंग्जाइटी रहती है वो, जैसे ये किचनर का जो डाउनटाउन कैंपस है ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 7 कोर्सेज भी ऑफर होते हैं इसमें। तो जिनको सोशल एंग्जाइटी रहती है मेरे को नहीं मिलना जुलना बाहर, इतना ज्यादा नहीं बोलना मेरे नेटिव पीपल या इंडियंस या उनसे बात बात करूं, तो उनके लिए कैंपस अच्छा है, सही रहेगा, क्योंकि पहले से नॉन अपने स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे होते हैं वहाँ पे। बट जिनको थोड़ा सा ऐसे है कि नहीं मेरे को एक्सप्लोर करना है, मेरे को अलग अलग तरीके के लोगों से स्टूडेंट से, तो वो मेन कैंपस में ही जाने की ट्राई करें। और किसी रीजन से अगर आपको मेन कैंपस नहीं मिलता तो आप वाटरलू की तरफ भी देख सकते हो। तो गाइस लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो सही लगी है और ऐसे ही आप किसी और कॉलेज को लेके भी कंफ्यूज हो तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं पक्का उस कॉलेज पे भी वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। और साथ में वीडियो फिर भी अगर आपको यूजफुल लगी है तो लाइक तो कर ही जाना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर दो। तो ठीक है गाइस, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।